मैं जा रहा था तो मैंने दुआ पढ़ी, दुआ के बाद मैंने 3 दफ़ा पढ़ा, ये भी एक राज भी बता रहा हूँ मौती भी बता रहा हूँ, अस्तग़फिरुल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह अस्तग़फिर। मैंने अपने बेटे से कहा, बेटा मैंने ये दुआ पढ़ के क्यों पढ़ी है? दुआ थी अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी आफ़ानी मिम मब्तला का बही व फज़लनी अला कसीरन मिम्मन खला का तफजीला। फिर मैंने ये दुआ पढ़ी अस्तग़फिरुल्लाह। फिर मैंने बेटे से कहा, बेटा मैंने ये दुआ इसलिए पढ़ी है, मैं अल्लाह से कह रहा हूँ या अल्लाह, कर किसी ख़ता की वजह से यह दुआ मेरे मुँह पर मार देता है, मैं उस ख़ता उस गलती उस अमल से तौबा करता हूँ। हाँ, ये मेरे मुर्शिद ने मुझे बताया था, फरमाया था कि जब भी कोई अमल कर उसके बाद इस्तिग़फ़ार कर। हुजूर खुद फरमाते हैं, कमली वाले पाकों के पाक मासूमों के मासूम खुद फरमाते हैं, मैं सुबह और शाम 70 बार इस्तिग़फ़ार करता हूँ। हुजूर फरमाया कि कोई अमल कर, कोई दुआ पढ़, कोई सदका दे, कोई खैर कर, कोई नेकी कर, कोई चीज़ कर, उसके बाद 3 दफ़ा इस्तिग़फ़ार पढ़ ले इस नीयत से कि अल्लाह ये चीज़ मेरे मुंह पे ना मार दे। एक बुज़ुर्ग थे, नमाज पढ़ने के बाद दोनों हाथ अपने मुंह पे रख लेते थे। किसी ने पूछा, हजरत ऐसा क्यों करते हैं? फरमाया, मुझे ख़तरा है यह नमाज मेरे मुंह पे ना मार दी जाए। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, आपके यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी क्लिक करना ना भूलें, ताकि चैनल पर आने वाली हर वीडियो आपको फौरन मिल सके।